हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं उमेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एलजेब्रा शुरू किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक आइडेंटिटीज से स्टार्ट किया था। टाइप ए का हम ए और बी पार्ट कर चुके थे। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप फर्स्ट का ही सी पार्ट। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए बेसिक आइडेंटिटीज, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। टाइप वन का सी पार्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइप वन का सी पार्ट क्या कहता है? इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन होगा और कंक्लूजन हमारा होगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये कुछ हमारा कंक्लूजन होगा और इसे आप डाल लीजिए कंक्लूजन वन, ये हमारा होगा। ठीक है, और कंक्लूजन टू क्या कहता है, एक बार आप लिख लीजिए, मैं बताता हूं कि ये चीज कहां से आई और कैसे आती है। आप लिखिए, इफ सम ऑफ द एक्स टर्म्स सॉरी, ये इफ नहीं, यहां पे दा कीजिए, द सम ऑफ एक्स टर्म्स विल बी जीरो इफ द डिफरेंस ऑफ पावर ऑफ एक्स टर्म इज थ्री। ठीक है, ये दो कंक्लूजन हमें यहां से मिलते हैं फ्रेंड्स। एक तो हम कह सकते हैं कि x क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन होगा, और सेकंड हम कह सकते हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसमें अगर x की जो पावर्स हैं उनका डिफरेंस अगर थ्री होगा तो दोनों का सम। मैं एग्जांपल आपको बताऊं, एग्जांपल में मैं कहूं कि x की पावर 9 एंड प्लस x की पावर 6, अगर मैं दोनों की बात करूं फ्रेंड्स तो इनका जो सम होगा ना वो जीरो होगा। मैं कहूं कि x की पावर 115 प्लस x की पावर 112, देखिए डिफरेंस 3 है तो सम जीरो होगा, डिफरेंस 3 है तो सम जीरो होगा। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और फ्रेंड्स, ये चीज आई कहां से, मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमें कहां से ड्राइव हुई है। मैं कह सकता हूं, अगर मैं अपने गिवन एक्सप्रेशन की बात करूं फ्रेंड्स, कि गिवन एक्सप्रेशन में x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू वन हमें गिवन है। मैं इसको अगर सोल्व करके लिखता हूं गिवन एक्सप्रेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू वन, x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू x, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एक तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ये देखिए कि एक फॉर्म हमारे पास ये बन जाती है। सेकंड फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या आता है, अगर मैं इसे माइनस वन को इधर ले आता हूं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और अगर मैं बोथ साइड एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी इक्वेशन सेम रहेगी, क्योंकि हमें बोथ साइड ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो मेरे पास हमें जो फॉर्म मिली है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब का। ठीक है, और ये इज इक्वल टू जीरो है, और यहां से मैं कह सकता हूं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन हमारा है फ्रेंड्स, ये कुछ यहां से हमें मिला है। ठीक है, ये इस तरीके से ड्राइव होता है, ये हम क्रैम कर लेते हैं, रट लेते हैं इन चीजों को। ठीक है, ये तो ये देख लीजिए एक बार, ये कुछ इस तरीके से हमें मिला है। अब इसके बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, आपको भी करके अच्छा लगेगा कि आप डायरेक्ट इन कंक्लूजन्स को यूज कर सकते हैं। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर वन आप डाल लीजिए। ठीक है,
गिवन और कंक्लूजन हमारे पास यही रहेंगे, इन्हीं को लेकर हम आगे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन आप डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमें कहता है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन हमें गिवन है, उसका ए पार्ट में आपको लिख दे रहा हूं। ए पार्ट में पूछ रहा है कि एक्स का क्यूब प्लस थ्री क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। सेकंड बी पार्ट में लिख दे रहा हूं कि एक्स की पावर 103 प्लस एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 50 प्लस एक्स की पावर 47 प्लस एक्स की पावर 19 प्लस एक्स की पावर 16 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 4 हमारा क्या होगा, ठीक है। बी इसका सी पार्ट में लिख दे रहा हूं एक्स की पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 15 क्या होगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, तीन क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डायरेक्ट आप इसका आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, जो हमें कंक्लूजन गिवन है इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि x plus 1 upon x is equal to 1 अगर हमें गिवन हो तो हमें मालूम है कि हमारा कंक्लूजन होता है x का क्यूब माइनस 1, ठीक है। और एक सेकंड कंक्लूजन भी मैंने लिखा था कि पावर्स का अगर डिफरेंस 3 हो तो हम दोनों आइडिया उसका x की वैल्यूज को हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे यूज करते हैं x का क्यूब हमारे पास माइनस 1 होगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही में इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन बी की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 103 एंड 100 डिफरेंस कितना 3 का, और हमने जैसा कि आपको कंक्लूजन 2 में मैंने बताया कि अगर पावर्स के बीच का डिफरेंस 3 होगा तो दोनों का सम क्या होगा 0। हम कह सकते हैं कि ये पार्ट 0 हो गया, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है ये भी 0 हो गया, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है ये भी 0 हो गया, और एक्स क्यूब की मेरे पास क्या वैल्यू है माइनस 1। हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट पर। अब देखिए कि हमारे पास एक्स का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 कंक्लूजन में है, लेकिन हमें पावर क्या गिवन है 15। क्या हम इसको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए हम इसे लिख सकते हैं एक्स का क्यूब पावर 5, ठीक है, 5 3 15। यहां हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब पावर 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि आपके पास एक्स का क्यूब की वैल्यू तो गिवन है माइनस 1, हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 5, ठीक है। पावर ओड है, माइनस 1 आंसर आ गया -2, ठीक है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि बिल्कुल आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपको देखना है कि पावर का डिफरेंस कितना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मल्टीपल में दे देता है, आपको पता है कि एक्स का क्यूब हमारे पास गिवन है उसका मल्टीपल आप 15 हमें दे दिया तो हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप डाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कहता है इसका, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 ही रखिए, उसका सी पार्ट तक हम कर चुके थे, अब करते हैं उसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है, एक्स की पावर 30 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 30 क्या होगा, ठीक है। ई पार्ट हम देखते हैं एक्स की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 क्या होगा, ठीक है। सी एफ पार्ट हम करते हैं, एफ पार्ट में कहता है एक्स की पावर 31 प्लस एक्स की पावर 23 प्लस एक्स की पावर 19
plus x की पावर 11 प्लस x की पावर 6 प्लस 2 हमारे पास क्या हो मिलेगा हमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आपने लास्ट वाला किया 15 था, यहाँ पे 30 है, आपको पता है कि 3 का मल्टीपल है, आप इसे लिख सकते हैं x का क्यूब पावर 10 प्लस 1 अपॉन x का क्यूब पावर 10। x का क्यूब की आपके पास वैल्यू है माइनस 1, माइनस 1 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 10। सिर्फ फर्क इतना था कि वहां पे 5 बन रहा था तो पावर ओड थी, यहाँ पे 10 बन रहा है पावर इवन है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं ई पार्ट पर, और ई और एफ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्हें आपको देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि आपके पास फॉर्म्स गिवन नहीं है, कैसे हम इनको लिख सकते हैं, कैसे अपनी फॉर्म में हम अपने तरीके से इनको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। x की पावर 10 को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स की पावर 9। ठीक है, सेम यहां पर मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स की पावर 9। अब तो 9 तो मल्टीपल बन गया ना 3 का। ठीक है, अब देखिए कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पे बात करूं x इंटू एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 3 में लिख सकता हूं। अब मैं यहां नीचे भी डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लिख सकता हूं x का क्यूब का क्यूब। ठीक है, ठीक है, x की पावर 9 को ऐसे लिख सकता हूं ना। अब हमारे पास आप देखिए कि x का क्यूब की तो हमारे पास वैल्यू है माइनस 1। ठीक है, और पावर कैसी है ओड। तो फ्रेंड्स मैं यहां पे लिख सकता हूं कि x यहां पे माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। अब आप देखिए मेरे पास वही फॉर्म बन गई है जो हमें ऊपर गिवन थी, और ये क्या आ गया है माइनस x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, माइनस में अगर यहां से कॉमन ले लेता हूं हमें अंदर मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, और x प्लस 1 अपॉन x में मुझे क्या गिवन है 1, तो यहां से आंसर आ गया माइनस 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको जज करना पड़ेगा कि आप ये फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप आपको ओपन करके दिखाया फ्रीली। ठीक है, आप इसको बोल यहाँ ये पे भी सोल्व कर सकते हैं कि आपको पता है यहाँ पे माइनस 1 है, पावर ओड है, माइनस 1 में रह जाएगा और माइनस आपको मिलेगा, आप बिल्कुल यहाँ की यहाँ इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बिल्कुल जरूरत नहीं है पेपर में कि आप इतना आगे तक सोल्व करो, लेकिन मैंने स्टेप मिस नहीं किया, आपको बिल्कुल ओपनली बताया। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये यहाँ पे 19 है। ठीक है, अब आप इसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं, देखिए 31 को पावर 31 है फ्रेंड्स, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसे कह सकता हूं कि x इंटू एक्स की पावर 30, मैंने इसे मल्टीपल बना दिया है 3 का। ठीक है, इसे मैं कह सकता हूं x की पावर 24 अपॉन x, x की पावर 23 हो, x की पावर 19 को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स की पावर 18, x की पावर 11 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 12 अपॉन x, x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं x का क्यूब और पावर 2 एंड 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इनको लिख सकता हूं, आप देखिए मैंने ये लिखा यहां से ये। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आप देखिए कि यहां पे 30 है जो कि इवन पावर दे रहा है, मैं बिल्कुल बहुत बड़े से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको यहीं पे जज करना होगा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। मैं x की पावर 30 को कह सकता हूं कि यहां पे x एज इट इज x का पावर 3 इंटू 10। आप देखिए पावर इवन है, x का क्यूब है, x की वैल्यू माइनस 1 है, तो आप ये प्लस आ जाएगा हमारे पास, यहां से सिर्फ बचेगा x। ठीक है, सेम अगर मैं यहां बात करूं, पावर इवन है फ्रेंड्स, पावर इवन है, 3 का मल्टीपल है, यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन x। ठीक है, सेम
अगर मैं चलूं तो यहां पे ये माइनस वन, वन बच जाएगा क्योंकि पावर इवन है, फिर से एक्स सेम वन अपॉन एक्स प्लस यहां पे भी पावर इवन है, एक्स का क्यूब की वैल्यू मेरे पास माइनस वन है, सो वन प्लस टू। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो की वैल्यू मुझे गिवन है वन। ठीक है, यहां पे मैं वन पुट कर सकता हूं, क्या आ जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ई और एफ पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल अच्छे से जज करना होगा कि आप कैसे इनको अपनी फॉर्मेशंस में ड्राइव करें। ठीक है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में आते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब टाइप वन का हम सी पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं कि ई पार्ट हम कैसे करते हैं। ई पार्ट में भी हमें सेम ऐसे ही कुछ गिवन होगा, कुछ कंक्लूजन हमें पता होगा। ठीक है, वो भी देखिए कि हमें क्या गिवन है और क्या नहीं। ठीक है, इसका हम डी पार्ट हम यहां पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, और डी पार्ट में हमारे पास क्या होगा, अब देखिए डी पार्ट में हमें गिवन होता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और यहां पे हमारे पास जो कंक्लूजन होता है वो ये हमारा गिवन पार्ट है, और कंक्लूजन जो हमारा होता है वो होता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन होता है, इसमें कोई सेकंड कंक्लूजन नहीं है उसकी तरह की जो पार्ट होगा। ठीक है, देखते हैं अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कि इसमें क्या क्वेश्चंस ड्राइव होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ ये प्रीवियस ईयर से हैं तो हम इन्हीं को कैरी ऑन करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं a प्लस वन अपॉन a इज इक्वल टू माइनस वन, और हमें पूछा गया हो a क्यूब प्लस टू क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल ऑलरेडी गिवन जो हमें फॉर्मेशन है x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू माइनस वन, वही हमें यहां पे गिवन है। हम यहां पे डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर एक दो आप जो भी डालना चाहें, हमारे पास गिवन है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, हमसे पूछा जा रहा है एक्स की पावर थर्टी प्लस एक्स की पावर ट्वेंटी वन प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x का क्यूब प्लस 1 क्या होगा। ठीक है, b पार्ट भी मैं साथ साथ लिख दे रहा हूं, आप देखिए x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 15 क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए इनको हम कैसे कर सकते हैं। हमें बिल्कुल वही फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में जो कि हमने लर्न की होती है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होगा, तो हमारे पास कंक्लूजन होगा x क्यूब इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हम ये भी देखिए कि a पार्ट में हमसे पूछा गया है x के 30, x के 21, x का 18, x का 12, x की क्यूब। अब देखिए कि जो पावर है ये सारी तीन के मल्टीपल में ही है। ठीक है, तो हम इनको थ्री का मल्टीपल बना सकते हैं। अगर मैं यहां से इसे सॉल्व करने लगूं तो x का क्यूब इंटू 10 प्लस एक्स का क्यूब इंटू 7 प्लस एक्स का क्यूब इंटू 6 नहीं सॉरी ये पावर में ही है। ठीक है, एक्स का क्यूब और उसकी पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक्स का क्यूब की जगह मैं 1 पुट करूंगा, पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस वन प्लस वन, तीन और तीन छ इज इक्वल टू सिक्स मेरा आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की हम बात करते हैं, एक्स का क्यूब जो है वो वन है और 12 और 15 दोनों ही एक्स थ्री के मल्टीपल हैं, तो हम कुछ ऐसे इनको लिख सकते हैं एक्स का क्यूब पावर 5। ठीक है, हम वैल्यू पुट करें 1 प्लस 1 अपॉन 1, यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे पावर सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 1 प्लस 1 आंसर आ गया 2। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन यही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ क्वेश्चन हैं बिल्कुल ऐसे ही, और ये पावर बेस तो बहुत आते हैं, बाकी इसका इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इन पे ड्राइव होते हैं। देखते हैं अपने कुछ अगले क्वेश्चन, ये आपने देख लिए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसा हमने पहले लिया था कि एक्स की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10, और हमें गिवन अगर यही हो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमें कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए कि अब हमें वही फॉर्मेशन करना होगा, हम इसे कह सकते हैं x इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर 9। ठीक है, अब हमारा 9 मल्टीपल हो गया 3 का, हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स का क्यूब होल क्यूब प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स का क्यूब और इसका क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब की मेरे पास वैल्यू है 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, हमें मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, और x प्लस 1 अपॉन x हमें क्या गिवन है इज इक्वल टू माइनस 1, यही हमारा आंसर होगा। तो हमें कुछ ऐसे फॉर्मेशन भी करने पड़े हैं, आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अलजेब्रा करते करते, ये बहुत बेसिक है। देखते हैं आगे कुछ एक दो क्वेश्चन हैं और अच्छे, उन्हें देखते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, हमारी आइडेंटिटी में से ये मैं रब कर दे रहा हूं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दो क्वेश्चन हमारे हैं बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मल्टीपल बेस्ड हैं, आप देखिए कि उनको हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप इसको टाइप में ना डालिए, बेशक से आप न्यू क्वेश्चन में लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 34 प्लस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 9 अगर हो, तो हमारा देन हमें फाइंड करना है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 34 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11 हमारा क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इन्हें हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा ना क्वेश्चंस की अप्रोच को समझना होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हम रिलेट भी कर सकते हैं कि क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि हमें गिवन जो वैल्यू है वही वैल्यूज हमें पूछ भी रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास प्लस है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, माइनस दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं, क्या मैं इसे ए और इस पार्ट को बी मान सकता हूं? ठीक है, अगर मैं ये कहूं ए और बी से मैं मान लेता हूं और मैं स्क्वायर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी यहां पे मैं फॉर्म कर सकता हूं उसकी हेल्प से ना, और अगर मैं दोनों को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कर दूं तो हमारे पास फॉर्म बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं इसको अगर कहूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मेरे पास फॉर्म बन जाएगी, तो इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा और इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 34 ए स्क्वायर। अब बात आती है माइनस की, माइनस बी स्क्वायर, बी पार्ट मेरे पास ये है। अब मैं इसे अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 11x प्लस 11, ठीक है। और इधर मैं बात करूं, अगर मैं जो निकालना है हमें, मैं उसे t मान लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं कह सकता हूं हमारे पास आएगा 90, ठीक है, 90, ये 90 नहीं है, और 3x स्क्वायर से ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 34 और 11, 45, 45 इज इक्वल टू 90, यहां से हमें 90 की वैल्यू मिल जाएगी 5, t इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि इन चीजों को हम किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग या अपने जो आइडेंटिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा, आप कुछ प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, ठीक है, और फिर आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन और आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ अंडर रूट 3x³ + 11x² - 29x + 40 = √3x³ + 11x² - 29x - 26 इज इक्वल टू, हमें गिवन है 11 के, ठीक है, और हमसे पूछा गया है देन अंडर रूट, सेम यही चीज आ जाएगी, माइनस में होगा सिर्फ x² - 29x + 40 - √3x³ + 11x² - 29x - 26 इज इक्वल टू क्या होगा। अगर मैं यहीं पे इसे t मान लेता हूं, और जैसा कि मैंने पहले किया, मैं इस वाली पार्ट को a मान लेता हूं, इस वाले को b मान लेता हूं, सेम पार्ट यहां पे है, तो ये भी a हुआ और ये भी b हुआ, फर्क सिर्फ इतना आया कि यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। अब मैं a प्लस b इंटू a माइनस b अपनी आइडेंटिटी यूज करता हूं, तो फ्रेंड्स मेरे पास फॉर्म बनेगी a² - b². अगर मैं a का स्क्वेयर करता हूं तो ये हमारे रूट्स को कैंसिल आउट कर देगा, हमें फॉर्म मिलेगा 3x³ + 11x² - 29x + 40, ठीक है। अब बात आती है -b² - अब b माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये फॉर्म आएगी 3x³ - 11x² + 29x + 26 = 11t, ठीक है। और पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव टर्म्स के साथ कैंसल आउट हो जाएंगी, -29 + 29 के साथ हमें मिलेगा सिर्फ 40 और 26 जो कि हो गया 66 = 11t, और यहां से t इज इक्वल टू आंसर आ गया 6, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस हम फॉर्म कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब हम अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, ठीक है, और चलिए अब हम मिलते हैं आगे, मिलेंगे आगे अपने कुछ और वीडियोस के साथ, बहुत अच्छा आपको वह मजा आने वाला है, एलजेब्रा हम करेंगे, ठीक है। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस एलजेब्रा बेस्ड ये कैसी लगी, ठीक है, और हम अपने में जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ और अच्छा उसमें इंक्लूड कर पाए, आपकी बहुत हेल्प उसके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।